सुबह सूर्योदय से पहले उठें, एक्सरसाइज करें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोना, स्वच्छ रहना, रोजाना नहाना, गार्बेज का प्रॉपर डिस्पोजल करना, नियमित पेस्ट कंट्रोल करवाना, ये सभी चीजें हर एक नागरिक के लिए बहुत जरूरी हैं। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितना भी ऑयल, शुगर और नमक खाते हैं उसे रोजाना थोड़ा थोड़ा कम करते चले जाएं और फिर देखिए हेल्थ A1 रहेगी। भारत के अनेकों संस्कृति, अनेक परंपराओं और अनेक रंगों का यहाँ होता है समावेश और यहाँ का खान पान और पान है एकदम विशेष। उत्तर भारत के पूर्वांचल क्षेत्र में स्थित बनारस, यहीं से होगा श्री गणेश हमारे स्वस्थ भारत यात्रा के इस एपिसोड का, जिसका मिशन है स्वस्थ भोजन और स्वस्थ जीवन के इस मैसेज को आप तक पहुँचाना। तो आइए चले। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दांडी सत्याग्रह से इंस्पायर हुई है ये यात्रा। जिस तरह बापू ने अपने अभियान द्वारा देश को मुक्त किया था, उसी तरह स्वस्थ भारत यात्रा का पर्पस है एक फूड रेवोल्यूशन से देश को स्वस्थ बनाना। स्वस्थ भारत यात्रा के तहत हुई एक ऑल इंडिया साइकिल यात्रा 16 अक्टूबर 2018 को वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर इस यात्रा की शुरुआत हुई अलग अलग राज्यों के 6 शहरों से। ये यात्रा देश के करीबन हर प्रदेश एवं यूनियन टेरिटरी से गुजरते हुए दिल्ली पहुंचेगी। 100 दिनों से अधिक चलने वाली इस रिले साइकिल यात्रा में हजारों वॉलंटियर साइक्लिस्ट का उद्देश्य है ईट राइट इंडिया के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर एक स्वस्थ भारत के सपने को आगे बढ़ाना। एक स्वस्थ भारत, इसी सपने से शुरू हुआ है द ईट राइट इंडिया मूवमेंट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित इस मूवमेंट के 5 खास मैसेजेस हैं। ईट हेल्दी यानी स्वस्थ खाएं, ईट सेफ यानी सुरक्षित खाएं, फोर्टिफाइड आहार लें, खाने का वेस्टेज ना होने दें और साथ ही साथ डू योर एक्सरसाइज एज वेल। इनमें से कई मैसेजेस से तो आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे, लेकिन इस शो के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि हम आपको कुछ ऐसी जानकारी और टिप्स दें जो आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। और क्या आपको पता है कि जिस तरीके से मैं आप तक ये मैसेजेस पहुंचा रही हूं, वैसे ही स्वस्थ भारत यात्रा के अंतर्गत हजारों वॉलंटियर साइक्लिस्ट देश के कोने कोने जाकर यही मैसेजेस पहुंचा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रैक की यात्रा की शुरुआत हुई त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से। 4,400 किलोमीटर से अधिक का ये रूट कई धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों से गुजरा, जैसे कामाख्या मंदिर, कैलमपोंग की मॉनेस्ट्री, अलाहाबाद का संगम आदि। जगह जगह हुए सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों ने साइक्लिस्ट में जोश भर दिया। साइक्लिस्ट का स्वागत घर के बने हुए खाने व दूसरे फर्मेंटेड फूड से किया गया और उससे मिलने वाली पोषण की जानकारी स्थानीय लोगों ने साइक्लिस्ट और अधिकारियों को दी। नॉर्थ ईस्ट ट्रैक में 400 से ज्यादा लोकेशन में ग्राउंड एक्टिवेशंस और इवेंट्स हुए, जिससे ईट राइट इंडिया मूवमेंट हर कदम पर जोर पकड़ता गया। हमारे पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के इस मिशन में कई डिपार्टमेंट्स ने सहयोग दिया, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स। लोगों को सेफ और न्यूट्रिशियस फूड के प्रति उनके अधिकारों के बारे में भी उजागर किया गया। पैक्ड खाने में FSSAI के लोगों का महत्व और लोगों की शिकायतों का सही निवारण की प्रक्रिया भी समझाई गई। नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट से गुजरा ये कारवां, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय और उसके बाद वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार होते हुए अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहुँच रही है। सही खान पान के जागरूकता हेतु ये कार्यक्रम किया जा रहा है
जिसमें ये बताया जा रहा है कि चीनी नमक तेल की मात्रा कम की जाए जिससे हम हेल्दी रह सकें, और इस चीज़ को बताने से सभी लोग में जागरूकता आएगी और जागरूकता आने के बाद लोग स्वस्थ रहेंगे। खाओ इंडिया, स्वस्थ रहो इंडिया। हर गली यहाँ दिलचस्प है, एक नया रंग और एक नया व्यंजन, और आज हम अपने स्वाद का सफर शुरू करेंगे एक ऐसी डिश से जो पूर्वांचल की काफी ट्रेडिशनल और बहुत ही पॉपुलर डिश है और काफी हेल्दी भी है। लिट्टी चोखा और बाटी चोखा की प्रसिद्धि पूरे देश भर में है। बेसिकली लिट्टी एक वीट बॉल है जिसमें स्टफिंग होती है सत्तू की, और चोखा बैंगन और आलू से बनता है। इसमें हेल्थ बेनिफिट्स काफी मात्रा में है। सत्तू एक कंप्लीट न्यूट्रिशन फूड है। इसमें सॉल्युबल फाइबर और प्रोटीन काफी मात्रा में है। ये डाइजेशन में सहायक है और डायबिटीज में लाभदायक है, और इसके साथ साथ ये कंप्लीट डिटॉक्स फूड भी है जिसको खाने से आपका सिस्टम साफ होता है और ये वेट लॉस में भी मदद करता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये तो हो गया एक ट्रेडिशनल संपूर्ण मील, पर हमें अपनी लाइफ में हर रोज एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए, जिसके लिए हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। जैसे आपके डाइट में डिफरेंट कलर्स की सीजनल सब्जियां और फल हो, आप होल ग्रेन से बनी हुई चीजें खाएं जैसे होल व्हीट ब्रेड, मिलेट्स एंड ब्राउन राइस, आप लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करें, तेल घी मक्खन थोड़ा सा कम खाएं, और प्रोसेस फूड्स जिसमें शुगर नमक और फैट की मात्रा ज्यादा हो उसे बहुत कम खाएं। ये तो हो गई एक बैलेंस्ड फूड की बात। अब अपने एपिसोड को भी थोड़ा सा बैलेंस करते हैं और लेते एक छोटा सा ब्रेक। मैं रिद्धमा पाठक मिलूंगी आपसे ब्रेक के उस पार। मलाइयो, बनारस की ठंड में अगर मलाइयो नहीं खाया तो क्या खाया? बनारस की सुबह की गंगा आरती, गंगा का पावन किनारा, देश विदेश से आए टूरिस्ट, इस चहल पहल में एक अलग ही शांति का एहसास है। हम सब अक्सर रोड साइड से ऐसी तली हुई चीजें खाते हैं, और वो भी बड़े शौक से। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या ये सही है? डीप फ्राइंग के लिए जो तेल बार बार यूज होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अरे रुको रुको रुको, इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है रुको, RUCO, यानी रिपर्पज्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, जिसके अंतर्गत आपसे आपका कुकिंग ऑयल कलेक्ट किया जाएगा और फिर उससे बायो डीजल बनाया जाएगा। इमेजिन, आपके कुकिंग ऑयल से एक ऐसा इको फ्रेंडली फ्यूल बनेगा जिसे कार से लेके एरोप्लेन सब चल सकते हैं। कैन यू इमेजिन योर यूज्ड कुकिंग ऑयल बीइंग यूज्ड टू रन कार्स एंड इवन एरोप्लेन्स? दिस इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट ड्रीम। Used cooking oil will be collected from users like restaurants, food processors, etc., and taken to the aggregator's warehouse. From here, the collected oil would be sent to the UCO depot. A RUCO tanker will transport the collected used cooking oil to the biodiesel plant, where it will be converted into the green fuel, biodiesel. अब घर में जब आप ऑयल को फ्राइंग के लिए यूज करते हैं तो कुछ बातें ध्यान में रखें। पहला ये कि आइडियली आपको अपने तेल को सिर्फ एक बार फ्राइंग के लिए यूज करना चाहिए। दूसरा ये, अगर आप उसे रीयूज कर रहे हैं तो
तो उसे आप पहले फिल्टर कर लें और उसके बाद उससे करी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा, अपने यूज्ड ऑयल को दो दिन के अंदर खत्म कर लें। डीप फ्राइंग के लिए जो कुकिंग ऑयल बार बार यूज हुआ हो वो टॉक्सिक हो जाता है। ऐसे ऑयल को रीयूज करने से पहले ध्यान रहे कि उसका टीपीसी 25 से ज्यादा ना हो। चाय पत्ती की मिलावट को जानने के लिए एक मैग्नेट को पत्ती के ऊपर घुमाएं। अगर लोहे की मिलावट है तो वो मैग्नेट पर चिपक जाएगा। दूध की प्योरिटी जांचने के लिए उसे टेस्ट ट्यूब में लें और पाउडर्ड सोयाबीन सीड्स मिलाएं। फिर रेड लिटमस पेपर डालें। अगर लिटमस पेपर का रंग बदल गया तो दूध में यूरिया की मिलावट है। कटे हुए आलू से आयोडाइज नमक आयोडाइज्ड है कि नहीं इसकी पहचान हो सकती है। आलू में पहले आप नमक डालें और फिर कुछ बूंद नींबू। अगर नमक आयोडाइज्ड है तो आलू नीला पड़ जाएगा। देखिए, बनारस आई हो तो चाट खाए बिना तो मैं जाऊंगी नहीं। एक नंबर की चटोरी जो, और यहाँ पे चाट में ऑप्शंस की कमी भी तो नहीं है। आलू चाट, टमाटर चाट, दही चाट, पानी पूरी और पता नहीं क्या क्या। चलिए, मुंह में पानी आ रहा है। भैया थोड़ा चाट देना। थैंक यू। हाँ हाँ, मुझे याद है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट का मैसेज थोड़ा कम, यानी नमक, शक्कर, तेल सब थोड़ा कम। लेकिन क्या करूं, बनारस की कुछ अच्छी पॉपुलर टेस्टी चीजें भी तो आपको दिखानी है। और डोंट वरी, मैं थोड़ा कम ही खाऊंगी। चलिए अब चलते हैं मिठाइयों की ओर, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे साइक्लिस्ट के स्वागत के लिए बनारस में और क्या क्या एक्टिविटीज हुई। कच्चा मक्खन लाना होगा जो सफ़ेद वाला, उसके बाद उसे मिश्री लिया करके, एक किलो मक्खन में 100 ग्राम मिश्री पीस करके और मक्खन में मिलाकर फेटा जाता है। तो इसको जितना फेटेंगे उतना ये सॉफ्ट होगा। फिर एक थाल में पानी रख लेते हैं, उस पानी में बर्फ़ डाल देते हैं ताकि मक्खन हार्ड रहे। एकदम फ्रेश बर्तन में सर यूज़ करते हैं, और हाथ में ग्लव्स लेके, कपड़े पहन के, सर पे कैप लेके, ताकि कोई किसी को दिक्कत ना हो। चने का सत्तू लस्सी है सर। इसको मैं पहले साफ सफाई के अच्छे से, मतलब आरो पानी इसमें डालते हैं घड़े में। ग्लव्स पहन कर मैं जो काम करता हूँ सब एकदम साफ सुथरा से करता हूँ। ग्लास में पहले हम प्याज डालते हैं, फिर नींबू डालते हैं, अदरक हुआ, मिर्चा हुआ, जीरा, जलजीरा, पुदीन हरा, चाट मसाला, हर्रे, बहर्रे सब इसमें जो है ग्लास में डाल के, सब चने के सत्तू में पानी में घोल बना के ग्लास में मिला के फिर मैं कस्टमर को प्रदान करता हूँ। और इसके फायदेमंद में है कि जैसे गर्मियों के मौसम में लोग प्यास के मारे अगर तड़पते हैं, अगर आप एक ग्लास पी लेते हैं इसमें पानी की मात्रा जो है आपको महसूस नहीं होती है, पेट आपका सफा रहता है और लू का असर भी नहीं करता है। दाल पिट्ठी, दाल पिट्ठी को हम दाल के पानी में पकाते हैं। दाल एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है और उसमें गेहूं के आटे की लोइयां हम डाल देते हैं जो एक शेप में बना के रखते हैं। उसको करीब हम एक घंटे तक पकाते हैं तो उसमें एक अलग सी मिठास और टेस्ट डेवलप होती है जो कि बिना तेल और बिना मसाले का एक प्रोडक्ट है। सर, ग्रीन टी का प्रश्न बहुत अच्छा है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे हम दूध इस्तेमाल करते हैं सर, तो वो भैंस के दूध नहीं हुए, ऐसे किसी से दूध नहीं लिया हमने। अमूल को जो FSSAI से जो अप्रूव्ड है, ऐसे दूधों को मैं इस्तेमाल करता हूँ जो बिल्कुल हाइजीन होती है। हमारे पास जो चाय की पत्ती है वो अच्छी क्वालिटी की है सर, तो लोग इसके प्रति जागरूक हों और हाइजीनिक चीज़ों को इस्तेमाल करें और अपने केमिकल, यूरिया, खाद, टच की हुई चीज़ों से थोड़ा दूर बचें, क्योंकि सर इससे हमारे स्वास्थ्य को जो है बहुत बुरा इफेक्ट डालता है हमारे स्वास्थ्य पर और लोग बीमार होते हैं।
देखिए, हमारे साइकिलिस्ट निकल पड़े हैं स्वस्थ भारत यात्रा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरा एक अपना मिशन है। भैया मेरा मलाइयो ले आओ। थैंक यू सो मच। मलाइयो, बनारस की ठंड में अगर मलाइयो नहीं खाया तो क्या खाया? अगर आप कोई लो फैट मिठाई एंजॉय करना चाहते हैं तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। मलाइयो कैसे बनता है आलू जी? दूध को पहले उबाला जाता है, उसको पूरा ठंडा कर देते हैं हम लोग, मतलब उसे मलाई नहीं जमना चाहिए। फिर उसको बड़े बड़े किस्ती में फैला कर उसमें रात भर रखा जाता है। फिर उसी दूध को यहाँ ला के इसमें फेटा जाता है। फेट फेट के मक्खन अलग निकाल के इसको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद जो नीचे दूध बच जाता है उसमें इलायची है, केसर है, चीनी है, गुलाब जल है, उसको पीस के एक सीधा बनाते हैं। उसको सीधा बना इसके ऊपर डाल के फिर इसको हिला हिला के तैयार किया जाता है। सेहतमंद चीज़ है ये? हाँ, सबसे फायदेमंद चीज़ होता है। इसमें कोई भी ऐसा आइटम नहीं है कि जो मतलब आकर गलत डलाता हो। इलायची नंबर एक का होता है, गुलाब जल नंबर एक का होता है, केसर नंबर एक का होता है, चीनी होता है, मतलब कोई ऐसा आइटम नहीं होता है। जो भी थोड़ी कम होती है, चीनी भी कम होती है, थोड़ा कम का हेल्दी मैसेज FSSAI ने कई मीडियम्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? जैसे दिमाग तो कहता है सुबह सुबह उठ के कसरत करो, पर दिल करता है थोड़ा और सो लो। या अभी दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं कुछ नहीं हुआ। दिमाग मनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। चाय में चीनी लेते हैं? यानी कोई नहीं, लीजिए लीजिए, बस आधा चम्मच कम कर दीजिए और कुछ दिन बाद, समझ गया ना? इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन हर पल कौन जीतता है। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. कभी सोचा है कि बिना सोचे खाने से क्या होता है? ताकत होती कम और शरीर होता मोटा है। खुद को गंदा रखोगे तो हमेशा रहोगे बीमार, दवाइयां घेर के रखेंगी और लाइफ से जाओगे हार। आओ दिखाओ एक नया तरीका टू स्टे हैप्पी हेल्दी एंड वाइज। ईट हेल्दी सेव फोर्टिफाइड डोंट वेस्ट एंड एक्सरसाइज। क्या खास है आपकी दुकान में, दिखाएंगे आप मुझे? जवाहर लड्डू, उसका नाम ही जवाहर लड्डू है कि जवाहरलाल नेहरू यहाँ से बनवाते थे। जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बनाया? ये काजू पिस्ते का बनता है। अच्छा, काफ़ी फेमस है ये? हाँ, ये काफ़ी पुरानी मिठाई है और ये ड्यूरेबल भी होती है, 7 से 8 दिन आप यूज़ कर सकते हैं इसको। हमारी ये बहुत पुरानी बर्फ़ी है, तिरंगा बर्फ़ी बोलते हैं इसको। और ये कब से बनती आ रही है तिरंगी बर्फ़ी? ये 1942 में बननी शुरू हुई थी, हमारे दादाजी लोगों ने बनवाना शुरू किया था क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। उस समय आप फ्लैग होस्ट नहीं कर सकते थे तो इसलिए तिरंगी बर्फी तो फूड है, आप खा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अरे तब तो मुझमें पेट्रियोटिज्म बहुत है, तिरंगी बर्फी खाऊंगी मैं। ये मलाई ग्लोरी है। मलाई ग्लोरी? हाँ, इसमें ऊपर पूरे मलाई की कोटिंग होती है, अंदर मेवा पिस्ता और काजू केसर वगैरह, उसको चॉप करके फिल करते हैं। मलाई की ग्लोरी मैं टेस्ट कर लूँ? मलाई ग्लोरी भाई कमाल की मिठाई है। देखिए इतना खाना खाया है तो थोड़ी एक्सरसाइज तो बनती है, तो चलिए ब्रिस्क वॉक करते करते मैं आपको थोड़ा और बनारस घुमाती हूँ।
कभी सोचा है कि बिना सोचे खाने से क्या होता है? ताकत होती कम और शरीर होता मोटा है। खुद को गंदा रखोगे तो हमेशा रहोगे बीमार। दवाइयां घेर के रखेंगी और लाइफ से जाओगे हार। आओ दिखाओ एक नया तरीका टू स्टे हैप्पी हेल्दी एंड वाइज। ईट हेल्दी सेफ फोर्टिफाइड डोंट वेस्ट एंड एक्सरसाइज। सब कुछ खाओ पर कम रखो मात्रा। यही है पगले सार ऑफ द स्वस्थ भारत यात्रा। फिर देखना गली गली में यही मचेगा डिंडोरा। छोरी अपनी स्वस्थ और हंक है अपना छोरा। आओ मिलकर आज एक बात गांठ बांध ले हम। आते तेल नमक चीनी मैदा सब थोड़ा कम। एक्टिविटी स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है और इसमें आपको तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली ये कि आप हफ्ते में 5 दिन 30 से 35 मिनट तक ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग या कोई भी मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज जरूर करें। दूसरी बात ये कि एक्सरसाइज शुरू और खत्म होने के बाद वार्म अप और कूल डाउन करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये कि आप बनारस आए तो पान खाए बिना अपनी यात्रा खत्म ना करें। उसमें मुंह की एक्सरसाइज होती है। ईट हेल्दी यानी स्वस्थ खाएं, ईट सेफ यानी सुरक्षित खाएं, फोर्टिफाइड आहार लें, खाने का वेस्टेज ना होने दें और साथ ही साथ डू योर एक्सरसाइज एज वेल। ये चीनी नमक तेल की मात्रा कम की जाए जिससे हम हेल्दी रह सके। RUCO यानी रिपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल, जिसके अंतर्गत आपसे आपका कुकिंग ऑयल कलेक्ट किया जाएगा और फिर उससे बायो डीजल बनाया जाएगा। सब कुछ खाओ पर कम रखो मात्रा। यही है पगले सार ऑफ द स्वस्थ भारत यात्रा। Eat right, India.